सो हे गाइस, तो चलते पहली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे मुंबई के निखिल और पीपोई के बारे में। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गया है, तो एक दिन पहले मुंबई के निखिल ने जो अपने चैनल पे व्लॉग अपलोड किया था, वहां पर मुंबई के निखिल ने बात किया इंडियन वैक्सीन को लेके। मुंबई के निखिल ने कहा कि वो आने वाले टाइम में जो अब्रॉड कंट्री ट्रेवल करने वाले, उसके लिए जो वैक्सीन लेना जरूरी है। और मुंबई के निखिल ने कहा कि वो एक वैक्सीन के लिए वेट कर रहे, अगर वो आ जाएगा तो वो लगा लेंगे, नहीं तो वो आउट ऑफ कंट्री जाके वैक्सीन लगाएंगे। ये बोलने के बाद मुंबई के निखिल को जो कॉमेंट सेक्शन में काफी सारे हेट मिल रहे थे, और फिर बाद में काफी सारे वीडियो भी बनने लगे मुंबई के निखिल जो ट्रस्ट नहीं करते इंडियन वैक्सीन के। पहले आप लोग इस ब्लॉग में से छोटा सा वीडियो क्लिप देख लो। मतलब बोल रहे हैं हम कभी वैक्सीनेशन लेंगे। सो हम लोग भी बहुत जल्द कराने का सोच रहे हैं। एक्चुअली हम लोग वेट करें फाइजर के लिए, अगर फाइजर मिलता है तो वो लेंगे, तो लास्ट 2 महीने तक का मैं और वेट कर सकता हूँ। बिकॉज अभी सब लोग वैक्सीनेशन हो रहे हैं और हम लोग को ट्रैवल भी करने का अब्रॉड, तो उसके लिए कंपलसरी रहेगा। या फिर दूसरा जो चीज करता हूँ वैक्सीनेशन टूरिज्म, आई माइट ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्री और वहाँ पर वैक्सीनेशन लूंगा, लेकिन फिर वहाँ पंगा रहेगा कि वहाँ मुझे 1 महीना या फिर 20 दिन रुकना पड़ेगा। जैसे अभी आई थिंक तो वो मुझे नहीं करना, 2-3 दूसरे कंट्री है, यू टेक अ फ्लाइट टू द कंट्री एंड यू फिर टेक वैक्सीन, वो वहाँ क्वारंटाइन में, तो वो नहीं करना है मेरे को, क्वारंटाइन तो होना so पड़ेगा। अगर बट मैंने सुना फाइजर आने वाला है, सो इफ दैट कम्स आई एम गोना टेक दैट। अदर देन दैट एटलीस्ट हम दोनों एक साथ नहीं लेंगे, पहले मैं लूंगा फिर देखूंगा क्या होता है, फिर वो ये लेगी, देखो क्या मतलब, क्या मतलब एक साथ बीमार नहीं पड़ना, कुछ कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस ब्लॉग के बाद पीपो ने जो अपने वीडियो में रिप्लाई दिया मुंबई के निखिल को, वैक्सीन से हम वायरस को खत्म नहीं कर रहे, पर हम उस वायरस से लड़ने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जिससे तुम मरो नहीं, जिससे तुम औरों को ये वायरस दो नहीं। द पीपल हु हैव गिवन द नट टू डेवलप दिस वैक्सीन, करोड़ रुपए खर्च करें, अपना टाइम अपने दिन रात स्पेंड किए, और आपको बस क्या करना है, जाके उस वैक्सीन को लेना है। आपसे वो भी नहीं हो पा रहा यार, और चलो आपसे नहीं हो पा रहा, और लोगों को तो कंफ्यूज मत करो, और लोगों को तो डिस्करेज मत करो। और निखिल, ये आपके साथ पहली बार नहीं है, लास्ट ईयर भी आपने ड्रग्स के बारे में भी यही बोला था कि ये तो हर जगह मिलती है, इसको हवा बना के रखा है। कम ऑन यार, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द हेल्थ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। या तो आपकी पूरी रिसर्च हो, आप पूरी चीज पूरे टॉपिक पर ढंग से स्टार्ट से एंड तक बोलें, या आप अपना मुंह ना खोलें। अगर आप लोग पीपॉय का ये वीडियो देखना रहेगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन, आप लोग जगह आप चेकआउट कर सकते हो। फिर इस चीज के ऊपर मुंबई करने के लिए जो अपने स्टोरी में रिएक्ट किया, आप लोग भी देखिए। Some people stoop down so much to get some views. जैसे कि मैंने आज व्लॉग में बोला कि मैंने कभी बोला ही नहीं कि आई डोंट ट्रस्ट इंडियन वैक्सीन, क्यों बोलूंगा मैं, कि मेरे को मत मारी गई मैं बोलूंगा, लेकिन थंबनेल में ऐसा डाल डाल के आई डोंट ट्रस्ट इंडियन वैक्सीन, मुंबई के निखिल सेज दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ये वैक्सीन अच्छी, अरे मैंने कब कुछ क्या बोला, और लोग भी बिलीव कर लेते जो भी ये लोग बोलते हैं, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं से चिड़ मस्ती है और चुल मस्ती है ये सब हेट फैलाने की, हेट खुद फैलाते हैं और बाद में बोलते हैं कि मैं हेट फैला रहा हूँ इंडियन वैक्सीन के लिए, अरे कहाँ फैलाया। और इसके बाद में पीपो ने भी अपने स्टोरी में रिप्लाई दिया मुंबई के निखिल को, आप लोग भी देखिए। वेल रियली, मतलब आर यू डिल्यूजनल, आर यू इवन आउट ऑफ योर माइंड, आप बोल रहे हो मैं अपने वीडियो पे थंबनेल को क्लिकबेट कर रहा हूँ, एक सोशल अवेयरनेस के लिए जो मैसेज है उसको मैं क्लिकबेट करूंगा, वैक्सीन ड्राइव को एंकरेज करने के लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं क्लिकबेट करूंगा। बॉस, आपने ऑब्वियसली वर्ड्स में लिटरली नहीं बोला अपने वीडियो में कि आप इंडियन वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं करते, बट यू इंप्लाइड दैट, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेइंग समथिंग लिटरली And implying something indirectly, that's what you did. I'll give you an analogy. आपके घर में आग लग जाती है, आपके पास लोकल एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर, आप वो यूज नहीं करते क्योंकि आपको तो इंपोर्टेड फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, जब वो आएगा तभी आप घर की आग बुझाओगे, चाहे आप जलो, चाहे जो लोग आपके घर में आ रहे हैं वो जले, चाहे आप बाहर जाके लोगों को जलाओ, that is what you're doing, man. Understood this? Think logically. मतलब कोई और एग्जाम्पल नहीं मिला, मतलब आप वैक्सीन को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कंपेयर कर रहे हो। भाई वैक्सीन के लेने ना लेने से जाने जाती हैं, कैमरा ना लेने या लेने से बस एक ब्रांड डील जाएगी, बट मे बी इन योर वर्ड्स इन योर मे बी प्रिंसिपल्स ह्यूमन लाइफ इज फार लेस इंपॉर्टेंट देन मे बी अ ब्रांड डील, दैट्स व्हाई गिविंग दैट स्टूपिड एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई से लॉजिक, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉस, कुछ भी मत बोलो, मुंह ही मत खोलो ना अगर कुछ नहीं पता हो तो। यार कैनन लिया ना लिया उससे क्या फर्क पड़ता है, ऑब्वियसली अगर तुम कैनन को नहीं ले रहे सोनी को ले रहे हो तो ऑब्वियसली कैनन यू आर नॉट गिविंग एनी हेट टू कैनन, बट यहां जाने जा रही है और अगर आप तब भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो आप एक डंब एक्ट कर रहे हो, आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और तुम्हारे ये स्टोरीज देख के कुछ लोग कॉमेंट कर रहे हैं ऐसे, मैं शेयर करने वाला हूं, तुम खुद ही समझो तुम्हारे इन्फ्लुएंस से क्या होता है, इसलिए ये वीडियो। तो आप लोग को पूरे कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर क्या कहना है नीचे कॉमेंट करके जरूर बता सकते हो।